ये जो गौहर आपने बात की है, आप इसके बारे में बड़ा खुल के बात करते हैं चेहरे के ऊपर जो आपके स्कार्स हैं, क्विंटेसेंशियल एक जो लुक होती है, जॉनी ब्रावो हेयर स्टाइल हो, रंग आपका थोड़ा गुलाबी गुलाबी हो, तो ही आप हीरो बनते हैं। बिल्ली अखा हो जाए तो फिर उधर वर्द कोई चीज हो ही नहीं सकती। अखा जो बिल्लियां थोड़िया बिलो बिलो की जान दी, कि गाना आजकल सुने नहीं नहीं वो बिला बिला एक गाना चल रहा है बड़ा मशहूर। एनीवे, सो इन दैट सिनेरियो यार, क्या एक एक यंग एक्टर या एक यंग लड़का जो आता है इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहता है, जो आप कह रहे हैं कि डिफीटेड अप्रोच से आप आए, एक्चुअली क्या चल रहा होता है दिमाग में यार? एक आप डिसहार्टेंड होके ये नहीं कहते कि यार चलो छोड़ो दफा करो यार घर चले वापस? पॉइंट डिसहार्टेंड से भी आगे आप जा चुके होते हैं उस वक्त तक, डिप्रेशन आप एक किस्म का ना, आई मीन लाइक एक कॉम्प्लेक्स इज द राइट वर्ड, ठीक है ना, आप एक कॉम्प्लेक्स के अंदर होते हैं आप कि यार मैं तो बन ही नहीं सकता। ये अप्रोच भी नहीं होती, ये एक्सेप्टेंस होती है आपके अंदर कि मैं तो एक्टर बनी, मैं तो कैमरे के सामने आ ही नहीं सकता, ठीक है, तो इसलिए मैं कैमरे के पीछे पीछे रहता हूँ। सो मैं यही बात हमेशा अपने इंटरव्यूज में कहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं ये बात, ये डिफीटिस्ट अप्रोच मेरे अंदर क्यों आई थी, क्योंकि लोग मुझे कहते थे, ठीक है ना, क्योंकि इतनी रिजेक्शंस हुई, ठीक है, इतने लोगों ने मैं मी लाइक बड़े बड़े कॉमेंट्स पास किए मेरे पे, मेरी लुक्स के बारे में, ठीक है, और बहुत कुछ हुआ। तो समवेयर आपको उन चीज़ों का असर होता है, और वो गलती मेरी है, उनकी नहीं है कि मैंने उन चीज़ों का असर लिया, ठीक है ना। रीज़न बीइंग कि आपने किसी को ये इजाज़त नहीं देनी कि वो आपको डिफाइन कर सके, ठीक है, कि वो डिक्टेट कर सके कि अच्छा आप क्या कर सकते हैं। भाड़ में गई ये बात, जो आप कर सकते हैं, देखिए खुदा का भी निज़ाम देखे ना, अल्लाह का भी निज़ाम देखे, जो अल्लाह ताला ने एक सांचे में आपको बनाया है उसके अलावा वो सांचा दोबारा नहीं बनाया, ठीक है, तो जैसे आप हैं, ठीक है, वैसा और कोई है ही नहीं, तो इस चीज़ को वैल्यू करके आप आगे बढ़ते हैं, जो कि मुझे बहुत देर बाद इस बात की रियलाइजेशन हुई थी। सो जो पॉइंट आप बात करें ना, अप्रोच क्या होती है, अप्रोच वो यही होती है कि आप इतने कॉम्प्लेक्स में आ चुके हुए होते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स में आ चुके होते हैं कि आप एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि यार मेरा तो कोई सीन ही नहीं है। यहाँ पे भी बहुत सारे लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं, घर पे भी बहुत देख रहे होंगे, तो मैसेज उनको यही है यार कि डोंट गिव अप। अगर आपने ख्वाब देखा है, डोंट गिव अप, टैलेंट आपके अंदर है तो आपको कोई चीज नहीं रोक सकती। ये तो पॉइंट, ये तो अल्लाह ताला को भी प्रसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी तो अल्लाह ताला को भी बड़ी पसंद है, ठीक है ना। सच्ची नीयत से, साफ नीयत से आप कोई भी काम करें, आप खड्डा खोदना शुरू करें तो आपको खजाना मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्टिंग क्या चीज़ है, एक्टर भी बन जाएंगे आप।